नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। इस वक्त हम खेसरैया पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ उमा शंकर राम जी हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं। आइए इनसे सारी बातों का हमें आंसर लेना है कि अपने पंचायत में मुखिया पद के लिए खड़े हैं तो क्या क्या सोच कर रखे हैं और क्या क्या अपने जनता के लिए करेंगे, आइए हम सारी बातें जानते हैं इनसे। सर स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे, चुनाव लड़ने का मूड आपने कैसे बनाया? हम इससे पहले 2016 में पंचायत समिति के चुनाव जीते हैं। हम अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए हैं, इसलिए यहाँ के सम्मानित जनता हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और हमसे आग्रह अनुरोध किए कि अब के लिए पंचायत समिति छोड़ के अब के लिए मुखिया को चुनाव जीतिए, कि पंचायत समिति में भी हमें ही वोट करना है, मुखिया में भी हमें ही वोट करना है, इसलिए आप मुखिया से चुनाव लड़िए। तो आपने अपने जनता के कहने अनुसार आपने मुखिया के लिए चुनाव पद के लिए चुनाव लड़ा है जी। तो सर आपने अपने पंचायत के लोगों के लिए विकास के लिए क्या सोचा है, क्या करेंगे आप? हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले पंचायत में घुसखोरी हो रही है, इस पर विचार करेंगे। जैसे में इंद्रवास हुआ और नीतीश जी का सोखता उखता हुआ है, इसमें एकदम से हिसाब से ज़्यादा घुसखोरी हो रही है। और जैसे में कुछ शिक्षा पर हम विचार करेंगे, स्वास्थ्य पर विचार करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के अगर बात करें तो आपने क्या सोचा है शिक्षा के लिए, अभी क्या स्थिति है और आप आएंगे तो क्या स्थिति में बदलाव करेंगे? अभी है कि मान लें कि हमारे क्षेत्र में हमारे पंचायत में अभी बहुत सारे स्कूल है कि टाइम से नहीं खुल रहा है, खुल भी रहा है तो हाफ टाइम से बंद हो जा रहा है, बच्चे लोग हैं तो इधर उधर भड़क रहे हैं, अथी कर रहे हैं। लेकिन जब हम चुनाव जीतेंगे तो स्कूल के टीचर पर भी गार्डिंग करेंगे और बच्चे लोग के अभिभावक से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चे को घर पर टाइमली शिक्षा मान लें कि अथी करेंगे, कोई मान लें कि अथी नहीं मान लें कि मिस यूज टाइम ना हो, कैसे कि आज का समय आपके बच्चे का भविष्य का समय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के विषय में अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आपने क्या सोच कर रखा अपने पंचायत में? हमारे गांव में ही एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उस पर साप्ताहिक NM आकर बैठती है, लेकिन हम उसे ऐसा करेंगे कि उस खंडड़ नुमा हॉस्पिटल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वह मान लें कि अच्छा से अच्छा उसको वहाँ पर भवन तैयार हो, उस पर हर रोज डॉक्टर की मान लें कि उपस्थिति हो। बिल्कुल, अपने नौजवानों के लिए सर आपने क्या सोच कर रखा है पंचायत में, जो भी युवा वर्ग है उनके लिए सर आपने क्या सोचा है? उनके लिए बहुत बहुत कुछ सोचे हैं, यहाँ पर खेल का मैदान हो, हर चीज़ की मान लें कि पढ़ाई लिखाई मान लें कि जिम अथी हो, गांव में भी जिम उम की व्यवस्था हो, मान लें कि व्यायाम का व्यवस्था हो, मान लें कि नौजवानों के लिए मान लें कि इतना सोचे हैं कि मान लें कि सर क्या बताना चाहेंगे तमाम जो भी आपको दर्शक देख रहे हैं आपके पंचायत के, उनसे क्या आग्रह करेंगे? उनसे आग्रह करेंगे कि जिस तरह से BDC में हमें सेवा का मौका दिए, एक बार मुखिया के भी रूप में हमें सेवा के 5 साल के लिए मौका दे, हम मान लें कि जितना हो सके मान लें कि अधिक से अधिक उन लोगों के विकास के रूप में काम करेंगे हम। बिल्कुल, निश्चित तौर से एक अच्छे व्यक्ति अगर पंचायत में आते हैं, प्रधान बनते हैं, तो निश्चित तौर से पंचायत का विकास होगा। और ये तो पहले से भी BDC रह चुके हैं, काम की इनको जानकारी है, लोगों ने इनका कहना है कि लोगों ने हमारे काम को देखा है, जिसके अनुसार उन्होंने हमसे कहा कि BDC ना लड़के इस बार मुखिया लड़ा जाए, तो उनके कहने अनुसार मैं अपने पंचायत में इस बार मुखिया पद से लड़ रहा हूँ। तो अभी देखना होगा जनता की क्या राय है, इनको जनता कितना साथ देती है। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ पर ग्रामीण भी हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, उनका क्या राय है, क्या परिचय है क्या? मेरा अर्जुन पासवान, सबसे पहले आपके टीम आपके जागृति चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या बताना चाहेंगे इस बार की पंचायत में आप किसको वोट करना चाहेंगे? इस बार की पंचायत में चूंकि ये पहले BDC रह चुके हैं, इनका काम सराहनीय रहा इस पंचायत में जी। जो भी विकास की काम हुआ और सब BDC से अच्छा किए, इसलिए हम लोग पूरे जनता इनके पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। हम लोग तहे दिल से इनका मतदान करेंगे। आपका क्या नाम है? राम निवास पासवान। क्या बताना चाहेंगे इस बार इस पंचायत में आप किसको वोट करेंगे? हम ये का नाम मुन्ना पासवान को, उमा पासवान को। उमा जी को क्यों वोट करना चाहते हैं आप? हमारा पहले जीत चुके हैं, कुछ काम किए हैं,
वही काम के अनुसार हम लोग सोचे कि मैंने अपनी बार मुखिया से इनको खड़ा करके देखा जाए। आपका क्या नाम है? रंजीत पासवान। रंजीत जी, किसको वोट करेंगे इस बार? हम तो उमा जी को देना चाहते हैं, क्योंकि गली गली में हमारा रोड पर सब ढलवाए हैं, तो इसीलिए हम इनको वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार शर्मा। अनिल जी, इस बार किसको वोट करना चाहेंगे अपने पंचायत में आप? हम लोग तो उमा जी को अभी वोट करेंगे, कारण कि हम लोगों ने ही इनको कहा है कि आप मुखिया से चुनाव लड़िए, और पिछले 5 सालों में इन्होंने बहुत बढ़िया विकास किया है, और लोगों की अपेक्षा ये अगर मुखिया प्रत्याशी से जीत जाते हैं तो ये अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर से लोगों को विश्वास है कि अगर उमा जी जीतते हैं तो जिस तरह से BDC रह के इन्होंने अपना अच्छा काम करके देखा है, तो मुखिया बनेंगे तो उससे भी बढ़िया काम करेंगे। तो देखना होगा इस पंचायत के लोग क्या फैसला लेता है, और आने वाला ये तो समय बताएगा कि इस पंचायत में कौन विजय होता है। मैं विकास कुमार, कैमरा पर्सन अभिषेक पंडित के साथ, धन्यवाद।